चलिए आज हम भारत के मानसून के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा भारत का मानसून। भारत के मानसून को जानने से पहले सबसे पहले हम लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड दैट मींस विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सभी को जानना पड़ेगा। उसे जाने बिना हम भारत के मानसून को नहीं जान पाएंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कुछ नियम जिनके अनुसार हवाएं किस दिशा में बहती हैं। आप सभी को पिछले क्लास की बात याद होगी, मैंने विषुवत रेखा के बारे में बताया था। आज हम पृथ्वी के झुकाव, पृथ्वी की बनावट, सूर्य का रोशनी किस प्रकार पृथ्वी पर पड़ता है, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सभी जानते हैं ये पृथ्वी है और 20 से जो 0 डिग्री से पास करती है रेखा, उसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये बात मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था। और 23.5 डिग्री जो नीचे हैं, इसी को हम मकर रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री नीचे है और यही अगर 23.5 डिग्री ऊपर आती है तो इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ये बात मैंने पिछले क्लास में भी की थी और आप सभी को ये जानकारी होगी और याद भी होगा। और आज हम मानसून के बारे में बात करेंगे। तो मानसून के बारे में बात करने से पहले हम कुछ नियम देखेंगे कि हवाएं किस तरह से बहती हैं, किस दिशा में बहेगी। हम सभी जानते हैं अगर पृथ्वी को विषुवत रेखा के दो भागों में अगर बांटा जाए, विषुवत रेखा अगर पृथ्वी को दो भाग में बांटती है तो इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। अब हम यहां से बात करेंगे, पृथ्वी को जब विषुवत रेखा दो पार्ट में बांटती है तो इसे हम उत्तरी गोलार्ध और इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और हम सभी जानते हैं हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, इसका रेडियस घटते जाएगा। यानी विषुवत रेखा से जैसे जैसे ऊपर और नीचे आएंगे, इसका रेडियस क्या होगा, घटते जाएगा। पिछले क्लास में मैंने ये भी बात किया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर, दैट मीन्स 23.5 डिग्री पर यह झुकी हुई है। ये एंगल 23.5 डिग्री, ये अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण मौसम परिवर्तित होता है। देखेंगे अब हम ये कैसे परिवर्तित होता है। ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, यानी पृथ्वी क्या है, अपने एंगल से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। दैट मींस ये अपने एक्सिस के एंगल से झुकी हुई है, न कि इससे झुकी हुई है। इससे हम कहेंगे तो यहां 66.5 डिग्री हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सूर्य। सूर्य है यहां, हम सभी जानते हैं सूर्य पृथ्वी से तीसरे स्थान पर है, यानी बुध, शुक्र एंड पृथ्वी। अब हम देखेंगे पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसका मतलब है पृथ्वी सीधा नहीं है। ये क्या है,
पृथ्वी सीधा नहीं है, ये क्या है, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसका मतलब है कि सूर्य से जो किरण आता है वो डायरेक्ट 0 डिग्री पे ना पड़ के कभी 23.5 डिग्री ऊपर जाता है, कभी 23.5 डिग्री नीचे आता है। और एक यहां पर हम अभी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट देखेंगे कि सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कर्क रेखा पर कब लंबवत होगा और सूर्य 23.5 डिग्री नीचे यानी मकर रेखा पर कब लंबवत होगा और 0 डिग्री पर कब लंबवत सूर्य चमकेगा, इसके बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। वो कुछ डेट है, कुछ तारीखें हैं जो फिक्स है, उसी स्थान पर उसी दिन सूर्य चमकता है। यहां तक आप लोगों ने जाना? हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो झुकी हुई है तो सूरज की रोशनी कभी यहाँ कैसे आती है? तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। मान लिया आप कभी साइकिल चलाते हैं तो आपका जो पहिया है वो टेढ़ा हो जाता है, धक्का लगने की वजह से टेढ़ा हो जाता है, और ब्रेक का रबर क्या होता है, वो अपने फिक्स पोजिशन पर होता है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कभी ब्रेक सटता है, कभी ब्रेक हटता है, अपने अपने ब्रेक में सटते जाता है, हटते जाता है, कभी सट जाता है, कभी हट जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार साइकिल का पहिया टाल हो जाता है, उसी प्रकार ये पृथ्वी अपने एक्सिस से झुक के टाल हो गई है। और जब ये घूमती है अपने अक्ष पे तो कभी सूर्य यहाँ लंबवत चमकता है तो कभी यहाँ लंबवत चमकता है, कभी यहाँ लंबवत चमकता है। इसी कारण मौसमें बदलती है। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये यहां यहां कैसे रोशनी लंबवत चमकती है। अब हम देखेंगे वो डेट जहां पे पृथ्वी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के सामने लंबवत कब चमकती है। तो इसको ध्यान रखने के लिए, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी इस तरीका से आप लोगों को बताया जाएगा कि खुद ब खुद याद हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर हम लिखेंगे 21 के बाद 22 होता है, तो 22 हम लिखेंगे यहां और 23 लिखेंगे बीच में, और 21 यहां पर हम लिखेंगे जून, और 3-3 महीना स्टेप करके हम नीचे आएंगे। जून 3 महीना उसमें ऐड कर दीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी यहां पर हो जाएगा सितंबर। फिर इसमें अगर हम 3 महीना ऐड करेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहां पर हम अभी इसको मिटा लें। मैंने देखा 21, 22 और बीच में 23, ये याद रखने का सबसे अच्छा सिंपल तरीका है, इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको कंफ्यूजन हो 3 लाइन बनाए, 21, 22, 23 याद में रखें, और एक डेट सिर्फ जून याद रखना है। 21 जून के बाद 3-3 महीना करके हम नीचे स्टेप आएंगे, तो 21 के बाद सितंबर, सितंबर के बाद दिसंबर, और 21 नीचे, 22 बीच में 23। ये तो हुआ जब ये नीचे की तरफ सूर्य जा रहा है, दैट मीन सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, और फिर ये रिटर्न होकर ऊपर जाता है, यानी कि ये साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है। फिर सूर्य यहां पे आएगा, तो यहां पे आएगा तो फिर दिसंबर में 3 महीना जोड़ दीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी अब फिर मार्च को सूर्य विषुवत रेखा के पास आएगा, और ये मार्च का डेट होगा 21, और फिर ये सूर्य 21 जून को, मार्च, अप्रैल, मई, जून को फिर वहां पर पहुंच जाएगा। तो ये सूर्य का साइक्लिक प्रोसेस होता है, पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। इसी तरीका से सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर साइक्लिक तरीका से बारी बारी से नीचे और ऊपर जाती रहती है। जब ये नीचे की तरफ आएगी तो इसे हम दक्षिणायन कहेंगे, सूर्य का दक्षिणायन।
और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसे हम सूर्य का उत्तरायण कहेंगे। तो अब हमने देखा कि 3 महीने के अंतराल पे सूर्य यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के पास लंबवत चमकेगी, यानी